दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया होगा जब आप काफ़ी दिनों बाद अपनी कार चलाते हैं और जब आप अपना एसी काफ़ी कम यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी एसी ऑन करने पे आपकी एसी वेंट से जो आपकी जहाँ से आपकी एयर बाहर आती है, या फिर ब्लोअर ऑन करने पे आपके से बैड स्मेल आने लगती है, काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। और तो इसी के ऊपर आज का वीडियो रहने वाला, किस प्रकार से आप अपनी जो बैड स्मेल है वो हटाएंगे। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुलबीर, और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। तो दोस्तों, क्या होता है कि रेनी सीजन में, और जैसे या फिर काफ़ी टाइम तक तो आपकी कार खड़ी है, तो उसमें भी क्या होता है, जो आपका एसी की कॉइल होती है उसमें क्या होता है कि आपके जो जर्म्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, पनपने लग जाते हैं। उसके कारण क्या करते हो, उस कारण से आपकी जो एसी में बैड स्मेल आने लग जाती है। तो जैसे हम एसी ऑन करते हैं तो मतलब इतनी ज़्यादा बैड स्मेल आती है कि आप कार के अंदर बैठ नहीं पाएंगे जब आप एसी ऑन करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो मैं मेरा अपना पर्सनली, मैं पहाड़ों में रहता हूँ, तो पहाड़ों में यहाँ पे एसी काफ़ी कम यूज़ होता है। नॉर्मली हम कार की विंडोज़ हैं उन्हीं को नीचे करके हम लोगों को काफ़ी प्योर एयर यहाँ पे मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम जैसे यहाँ से बाहर जाते हैं, जैसे हमारी जो उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून, वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो हमें एसी ऑन करना पड़ता है। उस टाइम क्या होता है, जैसे हम एसी ऑन करते हैं तो हमारे क्या होता है, जो एसी वेंट से काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आने लग जाती है। तो दोस्तों, इसको रिमूव करने के लिए नॉर्मली आप डिटॉल का यूज़ भी कर सकते हो, या फिर आज जैसे आपका आजकल कोरोना के लिए सैनिटाइज़र आ रहा है, तो सैनिटाइज़र का यूज़ भी कर सकते हो। वो कहाँ डालना है तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, और किस प्रकार से आपके 70 to 80% आपको जो आपकी जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा हम उसे क्लीन कर सकते हैं, या जो स्मेल है बैड स्मेल उसको हम सही कर सकते हैं। तो कोशिश करें दोस्तों, जैसे आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं तो जिसमें स्मेल हो, जिसमें अच्छी स्मेल हो, जैसे आपका लेमन फ्लेवर मिल जाए, रोज़ फ्लेवर मिल जाए, काफ़ी फ्लेवर मिल जाते हैं उसमें, जो जिसमें आपकी अच्छी स्मेल आती है जब आप उसे यूज़ करते हो। तो नॉर्मली मैं आज यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लाइजोल यूज़ कर रहा हूँ, और ये आपका है लेमन वाला, देख पा रहे होंगे, डिसइनफेक्टेंट सरफेस क्लीनर। तो मैं लाइजोल यूज़ करूँगा, ये आपका इसमें लेमन है, तो इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल आएगी। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे जो लाइजोल है, ये आपका 93 रुपीज़ का है। बाकी दोस्तों, यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्प्रे गन टाइप यूज़ कर रहे हैं। इसको आप लोकल लैंग्वेज में, अगर लोकल किसी शॉप से लेते हैं तो वहाँ पे आपको इसको मुर्गा के नाम से आप बोलेंगे, मुर्गा चाहिए बोतल में, जो मुर्गा लगता है स्प्रे करने के लिए वो हमें चाहिए। तो ये जस्ट 25 to 30 रुपीज़ आता है, और ये बोतल साइज़ आपको 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगा ईजिली। तो इसके थ्रू आप स्प्रे कर सकते हैं अपने जो आपकी ये एसी वेंट्स हैं, या जहाँ से हमें वो स्प्रे करना है, तो स्प्रे हमें चाहिए स्प्रेयर एक, तो ये हम यूज़ करेंगे, और ये लाइजोल यूज़ करेंगे। और किस प्रकार से ये यूज़ करना है मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो लाइजोल है आपका, वो हम इस स्प्रेयर के अंदर फिल कर देंगे हल्का फुल्का, जितना हमें चाहिए। अगर ज़्यादा स्मेल आ रही है तो कम से कम मंथ में 3 बार, मतलब पर वीक 3 वीक तक आप इसे, जैसे आज संडे को यूज़ किया है तो फिर अगले संडे को, फिर तीसरे संडे को, 3 संडे तक आप यूज़ करें तो इसको आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। इसकी हम यहाँ से सील हटा लेंगे, और उसके बाद हम कुछ इसमें डाल देंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया है, लेकिन ये 2 टाइम आपके यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों, हम इसकी कैप लगा देंगे, और कैप लगाने के बाद अपना ब्लोअर ऑन कर देंगे फुल स्पीड में। और इसके बाद जो आपका है एयर इनटेक, हम बाहर से लेंगे एयर, और इसको हम आगे की तरफ कर देंगे, आगे और पैरों में दोनों साइड आप रख सकते हैं, यहाँ पे रख दिया हमने, और इसको हम फुल कर देंगे इस टाइप से, आवाज़ आने लगे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों, हम इसे बाहर लेके चलते हैं, और जो विंडोज़ हैं आपकी, इसको चारों विंडोज़ आप खोल देंगे, आगे की तो आप खोल ही देंगे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे वेंट्स देख रहे हैं, इन वेंट्स के थ्रू आप स्प्रे करेंगे दोनों साइड से, इसमें दूसरी साइड नहीं है, इसी साइड से करना पड़ेगा सारा। तो जब यहाँ से आप
ये जो आपका लाइजोल है इसे आप यहाँ से स्प्रे करेंगे तो हमें यहाँ काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। तो दोस्तों इसके बाद जब आप कार को मैंने स्टार्ट कर लिया है यहाँ पे, और कार स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना एसी ऑन कर देना है, और उसके बाद आपको फिर से अपना जो ये लाइजोल है, क्योंकि अभी से इसमें काफ़ी ज़्यादा लेमन वाली स्मेल आने लग गई है और काफ़ी अच्छा वो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसके बाद मैं इसे भी यूज़ करने वाला हूँ एक बार एसी को ऑन करके। एसी को ऑन करके आपको भी एक बार यूज़ करना है, तब इसका ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों उस साइड बेंड्स नहीं है इसलिए मैं यहीं से डाल रहा हूँ आपका, जहाँ से आपका वाइपर बाहर दिख रहा है। और उसके बाद दोस्तों आपको 15 या 10 मिनट तक आपको अपना एसी ऑन रखना है, और इस टाइम आपके जो शीशे हैं वो चारों खुले रहेंगे। दोस्तों अगर आपको बाहर से दिक्कत होती है तो आप अपना जो बोनेट है उसे खोल के भी स्प्रे कर सकते हैं। तो 8 मिनट जब आपके कार को 8 मिनट हो जाएं उसके बाद आप इसको नॉर्मली इस साइड जो आपका एयर सर्कुलेशन वाला है वो आपके अंदर से एयर लेगा, तो इस वाले ऑप्शन पे आप चले जाएं बाद में, जब आपका काफ़ी देर तक बाहर से एयर ले रहा है उसके बाद आप अंदर से लें एयर सर्कुलेशन वाला। 15-16 मिनट तक आप एसी चलाने के बाद आप इस प्रोसेस को बंद कर दें, या फिर आपने जो कार है वो बंद कर दें, और आपने जो आपके विंडोज़ हैं आपकी उसको आप खोल के रखें। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट तक आपको अपना एसी ऑन रखना है, और एसी ऑन रखने के बाद फिर अगर स्मेल आपकी बंद हो जाती है काफ़ी दिनों तक तो एक बार आप और कोशिश करें ताकि आपको इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले और जो आपके जम्स हैं एसी कोयल में लगे हुए सारे ख़त्म हो जाएं। तो इस प्रकार से आप इस प्रोसेस को करेंगे अपनी स्मेल को रिमूव करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।